ओम शांति माई अक्टूबर साकार मुरली। मीठे बच्चे, बुद्धि को यहाँ वहाँ भटकाने के बजाय घर में बाप को याद करो, दूर दूर तक बुद्धि को ले जाओ। इसे ही याद की यात्रा कहा जाता है। प्रश्न, जो बच्चे सच्ची दिल से बाप को याद करते हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, पहला, सच्चे दिल से याद करने वाले बच्चों से कभी कोई विकर्म नहीं हो सकता। उनसे ऐसा कर्म नहीं होगा जिससे बाप की ग्लानि हो। उनके मैनर्स बड़े अच्छे होते हैं। दूसरा, वह भोजन पर भी याद में रहेंगे, नींद भी समय पर स्वतः खुल जाएगी। वह बहुत सहनशील, बहुत मीठे होंगे, बाप से कोई भी बात छिपाएंगे नहीं। गीत हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। कोई निराकार बाप को समझे, कोई साकार बाप को समझे, कोई मात पिता को समझे। ये मात पिता समझाते हैं तो भी माता अलग और पिता अलग हो जाते। अगर निराकार समझाए तो निराकार अलग, साकार अलग हो जाते, परंतु यह समझाने वाला बाप है। तुम बच्चे ही यह जानते हो कि जिस्मानी तीर्थ और रूहानी तीर्थ है। वह जिस्मानी तीर्थ आधा कल्प के हैं। अगर कहेंगे जन्म जन्मांतर से यह चलते आए हैं, तो फिर ऐसे समझेंगे शुरू से लेकर यह चलते हैं, अनादि है, ऐसे तो है नहीं, इसलिए आधा कल्प से कहा जाता है। अभी बाप ने आकर इन तीर्थों का राज समझाया है। मन मना भाव अर्थात रूहानी तीर्थ जरूर आत्माओं को ही समझाते हैं, और समझाने वाला है परम पिता, और कोई समझा न सके। हर एक अपने अपने धर्म स्थापक के तीर्थ पर जाते हैं। यह भी आधा कल्प के रस्म रिवाज है। सब तीर्थ करते हैं, परंतु वह कोई को सद गति दे न सके। खुद ही घड़ी घड़ी तीर्थों पर जाते रहते, अमरनाथ बद्रीनाथ तरफ वर्ष वर्ष तीर्थ करने निकलते, फिर चारों धाम करते हैं। अभी यह रूहानी तीर्थ सिर्फ तुम जानते हो। रूहानी सुप्रीम बाप ने समझाया है। मन मनाभाव और जिस्मानी तीर्थ आदि सब छोड़ो, मुझे याद करो तो तुम सच्चे सच्चे स्वर्ग में चले जाएंगे। यात्रा माना आना जाना, वह तो अभी ही होता है। सत्युग में यात्रा होती नहीं। तुम हमेशा के लिए स्वर्ग आश्रम में जाकर बैठेंगे। यहाँ तो सिर्फ नाम रख देते हैं, वास्तव में स्वर्ग आश्रम यहाँ होता नहीं। स्वर्ग आश्रम सतयुग को कहा जाता है। नरक को यह अक्षर दे नहीं सकते। नरकवासी नरक में ही रहते हैं, स्वर्गवासी स्वर्ग में रहते हैं। यहाँ तो जिस्मानी आश्रम में आकर फिर लौट आते हैं। यह बेहद कबाब समझाते हैं। वास्तव में सच्चा सच्चा बेहद का गुरु एक ही है, बेहद का बाप भी एक है। भल कहते हैं आगा खां गुरु, परंतु वह कोई गुरु नहीं है। सदगति दाता तो नहीं है ना? अगर सदगति दाता होता तो खुद भी गति सदगति में जाए, उनको गुरु नहीं कहेंगे। यह तो सिर्फ नाम रख दिया है। सिख लोग कहते हैं सतगुरु अकाल, वास्तव में सत श्री अकाल एक ही परमात्मा है, जिसको सतगुरु भी कहते हैं, वही सदगति करने वाला है। इस्लामी बौद्धी या ब्रह्मा आदि नहीं कर सकते, बल कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। अब गुरु भल ब्रह्मा को कहा जाए, बाकी गुरु विष्णु गुरु शंकर तो हो न सके। गुरु ब्रह्मा का नाम है जरूर, परंतु ब्रह्मा गुरु का भी तो गुरु होगा ना। सत श्री अकाल का तो फिर कोई गुरु नहीं,
वह एक ही सतगुरु है, बाकी और कोई गुरु या फिलोसोफर या स्पिरिचुअल नॉलेज देने वाला है नहीं, सिवाय एक के। बुद्ध आदि तो अपने पिछाड़ी सबको ले आते हैं, उनको रजो तमो में आना ही है। वह कोई सदगति के लिए नहीं आते हैं, सदगति दाता एक का ही नाम वाला है, जिसको फिर सर्वव्यापी कहते हैं। फिर गुरु करने की क्या दरकार है? हम भी गुरु, तुम भी गुरु, हम भी शिव, तुम भी शिव, इनसे तो कोई का पेट नहीं भरता। बाकी हाँ, पवित्र है इसलिए उनका मान होता है, सदगति दे नहीं सकते। वह तो एक ही है जिसको सच्चा सच्चा गुरु कहा जाता है। गुरु तो अनेक प्रकार के हैं, सिखलाने वाले उस्ताद को भी गुरु कहते हैं, यह भी उस्ताद है। माया से युद्ध करना सिखलाते हैं, तुम बच्चों को त्रिकालदर्शीपन की नॉलेज है, जिससे तुम चक्रवर्ती बनते हो। सृष्टि के चक्र को जानने वाले ही चक्रवर्ती राजा बनते हैं। ड्रामा के चक्र को व कल्प वृक्ष के आदि मध्य अंत को जानना बात एक ही है। चक्र की निशानी बहुत शास्त्रों में भी लिखी हुई है। फिलोसॉफी की किताब अलग होती है, किताबें तो अनेक प्रकार की होती हैं। यहाँ तुमको कोई किताब की दरकार नहीं, तुमको तो जो बाप सिखलाते हैं वह समझना है। बाप की प्रॉपर्टी पर तो सब बच्चों का हक होता है, परंतु स्वर्ग में सबको एक जैसी प्रॉपर्टी तो नहीं होगी। राजाई है उनकी जो बाप का बना। बाबा कहा थोड़ा भी ज्ञान सुना तो वह हकदार हो जाते, परंतु नंबरवार कहां? विश्व के महाराजा कहां? प्रजा दास दासियां, यह सारी राजधानी स्थापन हो रही है। बाप का बनने से स्वर्ग का वर्षा तो जरूर मिलता है, वर्षा मिलता है बाप से। यह नई बातें होने कारण मनुष्य समझते नहीं। बाप समझाते हैं सतयुग में विकार है नहीं, माया ही नहीं तो विकार कहां से आए। माया का राज्य शुरू होता है द्वापर से, यह है रावण की 5 जंजीरें, वहां यह होती नहीं। जास्ती डिस्कस नहीं करना है, वहां है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। बाकी बच्चे पैदा होने की, गद्दी पर बैठने की, महल आदि बनाने की जो रस्म रिवाज होगी वह जरूर अच्छी ही होगी, क्योंकि स्वर्ग है। बाप समझाते हैं बच्चे इस रूहानी यात्रा में तुम्हें निरंतर बुद्धि योग लगाना है, यह बहुत सहज है। भक्ति मार्ग में भी सवेरे उठते हैं, ज्ञान मार्ग में भी सवेरे उठ बाप को याद करना है, और कोई किताब आदि पढ़ना नहीं है। सिर्फ बाप कहते हैं मुझे याद करो, क्योंकि अब छोटे बड़े सबका मौत सामने खड़ा है। मरते समय कहते हैं भगवान को सिमरो, अंतकाल अगर भगवान को नहीं सिमरेंगे तो स्वर्ग में जा नहीं सकेंगे। तो बाप भी कहते हैं मनमना भाव, इस देह को भी याद नहीं करना है, हम आत्मा एक्टर हैं, शिव बाबा की संतान हैं, लगातार याद में रहना है। वैसे छोटे बच्चों को तो नहीं कहेंगे कि भगवान को याद करो, यहाँ सबको कहना पड़ता है, क्योंकि सबको बाप के पास जाना है, बाप से ही बुद्धि योग लगाना है, कोई से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, यह बड़ा नुकसान कारक है। कोई कुछ कहे सुना अनसुना कर देना है, सामना नहीं करना चाहिए, जो लड़ाई हो जाए। हर बात में सहनशील भी होना चाहिए, और फिर समझना है बाप बाप भी है, धर्मराज भी है। कुछ भी बात है तो तुम बाप को रिपोर्ट करो, फिर धर्मराज के पास पहुंच ही जाएगा और सजा के भागी बन पड़ेंगे। बाप कहते हैं मैं सुख देता हूँ, दुख अर्थात सजाए धर्मराज देते हैं।
मुझे सजा देने का अधिकार नहीं है। मुझे सुनाओ, सजा धर्मराज देंगे, बाप को सुनाने से हल्का हो जाएंगे, क्योंकि यह फिर भी राइट हैंड है। सतगुरु का निंदक ठहर न पाए। जजमेंट तो धर्मराज ही देंगे कि किसका दोष है, उनसे कुछ छिप नहीं सकता। कहेंगे ड्रामा अनुसार भूल की, कल पहले भी की होगी, परंतु इसका मतलब यह नहीं कि भूल करते ही रहना है। फिर अभूल कैसे बनेंगे? भूल हो जाए तो क्षमा मांगनी होती। बंगाल में किसका पैर आदि लग जाता है तो झट क्षमा मांगते हैं, यहाँ तो एक दो को गाली देने लग पड़ते हैं। मैनर्स बहुत अच्छे होने चाहिए, बाप सिखलाते तो बहुत है, परंतु समझते नहीं तो समझा जाता है इनका रजिस्टर खराब है। निंदा कराते रहते हैं तो पद भ्रष्ट हो जाएंगे। जन्म जन्मांतर के विकर्मों का बोझा तो है ही, उनकी तो सजा भोगनी ही है। फिर यहाँ रहकर अगर विकर्म करते हैं तो उनकी 100 गुना सजा मिल जाती है। सजा तो खानी ही है, जैसे बाबा काशी कलवट का समझाते हैं, वह है भक्ति मार्ग का। यह ज्ञान मार्ग की बात है। एक तो पहले वाले विकर्म है, दूसरा फिर इस समय जो करते हैं उनका दंड 100 गुना हो जाता है। बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। बाप तो हर एक बात समझाते हैं, कोई पाप न करो, नष्टो मोहा बनो, कितनी मेहनत है। इस मम्मा बाबा को याद नहीं करना है, इनको याद करने से जमा नहीं होगा। इनमें शिव बाबा आते हैं तो याद शिव बाबा को करना है, ऐसे नहीं कि इनमें शिव बाबा है इसलिए इनकी याद रहे, नहीं, शिव बाबा को वहां याद करना है, शिव बाबा और स्वीट होम को याद करना है, जिन मुआफिक बुद्धि में याद रखना है। शिव बाबा वहां रहते हैं, शिव बाबा यहां आकर सुनाते हैं, परंतु हमको याद वहां करना है, यहां नहीं। बुद्धि दूर जानी चाहिए, यहां नहीं, यह शिव बाबा तो चला जाएगा। शिव बाबा इस एक में ही आते हैं, मम्मा में उनको देख न सके। तुम जानते हो ये बाबा का रथ है, परंतु इनके चेहरे को नहीं देखना है। बुद्धि वहां लटकी रहे, यहां बुद्धि रहने से इतना मजा नहीं आएगा। यह कोई यात्रा नहीं हुई, यात्रा की हद तुम्हारी वहां है। ऐसे नहीं कि बाबा को ही देखते रहो, क्योंकि इनमें शिव है, फिर ऊपर जाने की आदत छूट जाती है। बाप कहते हैं मुझे वहां याद करो, बुद्धि योग वहां लगाओ। कई बुद्धू समझते हैं कि बाबा को ही बैठ देखे, अरे बुद्धि को स्वीट होम में लगाना है। शिव बाबा तो सदैव रथ पर रह न सके, यहाँ आकर फिर सर्विस करेंगे, सवारी ले सर्विस कर फिर उतर जाएंगे। बैल पर सदैव सवारी हो नहीं सकती, तो बुद्धि वहां रहनी चाहिए। बाबा आते हैं, मुरली चलाकर चले जाते हैं, इनकी बुद्धि भी वहां रहती है। रास्ता बरोबर पकड़ना चाहिए, नहीं तो घड़ी घड़ी पट्टी से गिर पड़ते हैं। यह तो थोड़ा समय है, इसमें शिव बाबा ही नहीं होगा तो याद क्यों करेंगे। मुरली तो यह भी सुना सकते हैं, इनमें कभी है कभी नहीं है, कभी रेस्ट लेते हैं, तुम याद वहां करो। कभी कभी बाबा ख्याल करते हैं, ड्रामा अनुसार कल पहले आज के दिन जो मुरली चलाई थी वही जाकर चलाऊंगा। तुम भी कह सकते हो कि कल पहले बाप से जितना वर्षा लिया था उतना ही लेंगे। शिव बाबा का नाम जरूर लेना पड़े, परंतु ऐसे किसी को आएगा नहीं, बाप जरूर याद आएगा। बाप का ही परिचय देना है, ऐसे नहीं सिर्फ इनको बैठ देखना है। बाबा ने समझाया है शिव बाबा को याद करो, नहीं तो पाप हो जाएगा,
निरंतर बाप को याद करना है, नहीं तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। बड़ी मंजिल है, मासी का घर थोड़े ही है। ऐसे नहीं, भोजन पर पहले याद किया फिर खलास, ऐसे ही भोजन खाने लग पड़े। नहीं, सारा समय याद करना पड़े, मेहनत है, ऐसे थोड़े ऊंच पद मिल सकता है। तब तो देखो, करोड़ों में 8 रत्न पास होते हैं। मंजिल बड़ी भारी है, विश्व का मालिक बनना है, यह तो किसी की बुद्धि में नहीं होगा, इनकी बुद्धि में भी नहीं था। अब ख्याल किया जाता है, 84 जन्म किसको मिलते हैं? जरूर जो पहले आते हैं वह है लक्ष्मी नारायण। यह है सब विचार सागर मंथन करने की बातें। बाप समझाते हैं, हथ कार दे, दिल यार दे, बल धंधे आदि में रहो, परंतु निरंतर बाप को याद करते रहो। यह है यात्रा, तीर्थों पर जाकर फिर लौटना नहीं है। तीर्थ बहुत मनुष्य करते हैं, अब तो वहां पर भी गंध हो गया है, नहीं तो तीर्थ स्थान पर कभी वैश्यालय नहीं होते। अभी कितना भ्रष्टाचार है, एक धनी तो कोई है नहीं, जट गाली देने लग पड़ते, आज चीफ मिनिस्टर है कल उनको भी उतार देते, माया के मुरीद बन जाते हैं। पैसे इकट्ठे करेंगे, मकान बनाएंगे, धन के पिछाड़ी चोरी करने लग पड़ते हैं। तुम अब स्वर्ग में जाने की तैयारी कर रहे हो, वही याद आना चाहिए, धारणा भी होनी चाहिए, मुरली लिखकर फिर रिवाइज करनी चाहिए। फुर्सत तो बहुत रहती है, रात को तो बहुत फुर्सत है, रात को जागो तो आदत पड़ जाएगी। जो सच्चा सच्चा बाबा को याद करने वाला होगा, उनकी आंख आपे ही खुल जाएगी। बाबा अनुभव बताते हैं कैसे रात को आंख खुल जाती है। अभी तो नींद के लिए और ही पुरुषार्थ करते हैं। हाँ, स्थूल काम करने से भी शरीर को थकावट होती है। बाबा का रथ भी देखो कितना पुराना है। विचार करो, बाबा पतित दुनिया में आकर कितनी मेहनत करते हैं, भक्ति मार्ग में भी मेहनत करते थे, अभी भी मेहनत करते हैं। शरीर भी पतित तो दुनिया भी पतित। बाबा कहते हैं, मैं आधा कल्प तो बहुत आराम करता हूँ, कुछ भी ख्याल नहीं करना पड़ता है। भक्ति मार्ग में बहुत ख्याल करना पड़ता, इसलिए बाप को रहम दिल गाया हुआ है। ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ ब्लीस, कितनी महिमा करते हैं, वही बाप अभी हमको पढ़ाते हैं, और कोई पढ़ा न सके। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, किसी का भी सामना नहीं करना है, कोई कुछ कहे तो सुना अनसुना कर देना है, सहनशील बनना है, सतगुरु की निंदा नहीं करानी है। दूसरी पॉइंट, अपना रजिस्टर खराब होने नहीं देना है, भूल हो जाए तो बाप को सुनाकर क्षमा मांग लेनी है, वहां ऊपर याद करने की आदत डालनी है। वरदान, किनारा करने के बजाय स्वयं को एडजस्ट करने वाले सहनशीलता के अवतार भव। विस्तार है, कई बच्चों में सहन शक्ति की कमी होती है, इसलिए कोई छोटी सी बात भी होती है तो चेहरा बहुत जल्दी बदल जाता है, फिर घबरा कर या तो स्थान को बदलने की सोचेंगे या जिनसे तंग होंगे उनको बदल देंगे, अपने को नहीं बदलेंगे, लेकिन दूसरों से किनारा कर लेंगे। इसलिए स्थान अथवा दूसरे को बदलने के बजाय स्वयं को बदल लो, सहनशीलता का अवतार बन जाओ, सबके साथ स्वयं को एडजस्ट करना सीखो। स्लोगन, परमार्थ के आधार से व्यवहार को सिद्ध करना, यही योगी का लक्षण है। ओम शांति। टू वॉच पीस ऑफ माइंड चैनल वीडियोस ऑन YouTube, सब्सक्राइब अस ऑन
youtube.com/tv peace of mind. Just a click for a peaceful life.